तो हमारे पास ये रैपिड सिकल सेल का सॉल्युबिलिटी टेस्ट का ये पूरा किट रखा हुआ है, तो इसको हम अनबॉक्स करके आपको बताने वाले हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें मिल जाता है। इसके बाद हम देन प्रैक्टिकल करेंगे और ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो ये रीडिंग स्केल आपको देखने को मिलता है, इस तरीके से ये रीडर है आपका। तो अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इसमें डिटेल में बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा रिएजेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो रिएजेंट आपको देखने को मिलते हैं। एक ये वाला है जो कि आपका रैपिड सिकल सेल फॉस्फेट बफर है ये, ठीक है। इसको जो कि R1 नाम दिए हैं, तो दो बोतल इसमें से मिल जाते हैं। ये दो बोतल हम निकाल के भी रख देते हैं बाहर। इसके अलावा ये रिएजेंट R2 के नाम से यहाँ पर आता है, रैपिड सिकल सेल का। ये पाउडर फॉर्म में है जो कि हमें जब हम वर्किंग रिएजेंट बनाएंगे तो इन दोनों को हमें पूरा मिक्स करना है एक बोतल इसमें, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे इसको भी। इसके अलावा ये लिटरेचर मिल जाता है जिसमें आपको पूरे प्रोसीजर और किस तरीके से आपको करना है, बाकी गाइडलाइन आपको इस लिटरेचर के अंदर मिल जाते हैं, जिसको आपको सावधानी पूर्वक टेस्ट लगाने से पहले पढ़ लेना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्वैब मिल जाएंगे, एल्कोहल स्वैब हैं जिसकी मदद से आप अगर फिंगर प्रिक करके टेस्ट लगाते हैं, तो उसके लिए आपको लेंसेट भी यहाँ पर मिल जाता है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक ड्रॉपर मिलेगा जो कि यहाँ पर वॉल्यूम सेट है, इसमें 2 ml अगर आपको वॉल्यूम चाहिए है तो प्रोसीजर के अनुसार, तो आपको अलग से पीपेट की ज़रूरत नहीं होगा, यहाँ ही आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। ये पीपेट है जो कि आपको रिएजेंट के लिए मिल जाता है, इससे आपको रिएजेंट लेना है। इसके अलावा ये जो आपको ड्रॉपर देखने को मिल रहा है, ये सैंपल डिस्पेंसिंग डिवाइस है जो कि 20 μL है, इसमें 50 हैं टोटल, और इसके थ्रू आपको सैंपल लेना है जो कि आपको 20 μL की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब आपको इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, और इन्हीं में आपको टेस्ट परफॉर्म करके लगाना है, टेस्ट परफॉर्म करना है, और इसके साथ साथ ये कैप भी इसका मिल जाता है। तो इतनी सामग्री आपको इस किट के अंदर पूरे मिलते हैं, और इसके आगे हम टेस्ट लगा करके आपको बताएंगे किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म इसमें करते हैं। तो अब हम ये हमारे पास R1 है, और उसके बाद ये मेरे पास R2 है। तो R2 को R1 के अंदर पूरा हमें ये पाउडर फॉर्म में आता है, ये बफर है, तो इसको हम पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 15 मिनट तक हमें मिक्स करके इसको रख देना है, और मिक्स करने के बाद 15 मिनट इसको रख देंगे, उसके बाद हमें इसको टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा ध्यान रहे, ये गिरे ना बाहर, ठीक है। जितनी क्वान्टिटी में आप पूरा का पूरा इसके अंदर पोर कर देना इस तरीके से। तो ये पूरा हमने इसके अंदर ये पाउडर फॉर्म में जो था, ठीक है, तो इसको हमने रख दिया है इसमें पूरा का पूरा। अब इसका हम कैप लगा करके और इसको मिक्स करना है। इस तरीके से आप इसका कैप लगा दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ताकि अच्छे से पूरा पाउडर फॉर्म इस बफर में मिक्स हो जाए। और मिक्स होने के बाद इसको हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 15 मिनट बाद हम इसका यूज कर सकते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। 15 मिनट इसको मिक्स करने के बाद ये चेक करना है कि अच्छे तरीके से ये मिक्स हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो आप चेक कर लीजिए देख करके। और जब ये पूरा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया हो, ठीक है, पूरा घुल गया हो, तब आप इसका क्या है यूज कर सकते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। ये हमारा वर्किंग रिएजेंट बन करके तैयार हो चुका है। अब इस वर्किंग रिएजेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए मेरे पास ये सैंपल हैं, EDTA वायल में 2 सैंपल हैं, और 2 पेशेंट का हमें सैंपल रन करके देखना है। और इसके अलावा जो हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब थे, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, और स्केल जो रीडर है ये आपको देखने को मिल रहा होगा कुछ इस तरीके से। आप जब यहाँ से देख रहे होंगे तो आपको आर पार दिख रहा है, जो लाइनिंग पीछे बनी हुई है बैकग्राउंड, वो आपको देखने को मिल रहा होगा बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप, ये नेगेटिव कब माना जाएगा, जब बैकग्राउंड आपको विजिबल होगा, मतलब बैकग्राउंड आपको पूरा क्लियर दिख रहा है इसके थ्रू, मतलब नेगेटिव होगा, जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव कब माना जाएगा, जब बैकग्राउंड इनविजिबल होगा, मतलब बैकग्राउंड जब आपको सैंपल और टेस्ट जब आप सैंपल डालेंगे और नहीं दिखेगा पीछे का पूरा बैकग्राउंड, तब आपको पॉजिटिव मानना है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसकी रिपोर्टिंग करनी होती है। तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा पूरा रीडर जो है यहाँ पर सामने आपको देख रहा है। तो हम टेस्ट परफॉर्म करके आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमें इसको लेबल करना है, तो इसको मैं A दे देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं B दे देता हूँ। तो अभी हमारे पास 2 हैं सैंपल जिसको हमें टेस्ट परफॉर्म करना है, तो A और B मैंने नाम दे दिया है इसके लिए, A और ये B, ठीक है। तो लेबल ज़रूर करना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो इस तरीके से मैंने लेबल कर दिया है। अब ये जो वर्किंग रिएजेंट है ये हमें 2 ml लेना है, ठीक है।
2 ml टेस्ट परफॉर्म करने के लिए लेना है। तो यहाँ पर ये जो ड्रॉपर दिया हुआ है इसके साथ आया था, तो यहाँ पर 2 ml लिखा हुआ है वहीं तक मुझे लेना है, और यहाँ पर 3 ml दिया है, तो यहाँ पर 2 ml दिया हुआ है, तो यहाँ तक मुझे वर्किंग रिएजेंट लेना है और उसके बाद ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, तो ये तैयार हो चुका है मेरा वर्किंग रिएजेंट। अब मैं यहाँ से लेता हूँ 2 ml। इस तरीके से आप 2 ml मार्क तक लीजिए, ठीक है, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देना है। इस तरीके से, ठीक है, फिर आप 2 ml ले लीजिए, और दूसरे वाले में आप ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको वर्किंग रिएजेंट ट्रांसफ़र कर देना है 2-2 ml, और 2 ml ही चाहिए एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया। अभी जब आप देखेंगे तो देखिए ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, ठीक है, लाइन क्लियर दिख रही है आपको बैकग्राउंड की, इस तरीके से। अब हमें इसमें सैंपल ऐड करना है, तो सैंपल ऐड करने के लिए हमारे पास जो ड्रॉपर दिए थे सैंपल के लिए, तो वो ये वाला ड्रॉपर है, जो कि आप 1 ड्रॉप डालेंगे तो 20 μl ही इससे ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो हम इसकी मदद से हम अब सैंपल इनमें दोनों में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एक ड्रॉप एक ही सैंपल के लिए आपको इस्तेमाल करना है। इस तरीके से आप यहाँ से 1 ड्रॉप ले लीजिए, जो कि हमारा ADT है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ से हमें 1 ड्रॉप इस तरीके से ये ले लेना है। ठीक है, और दूसरे के लिए दूसरा ड्रॉप हमें इस्तेमाल करना है। ये तो अब मेरे पास दूसरा सैंपल है, इसके लिए मैं दूसरा ड्रॉपर फ्रेश वाला इस्तेमाल करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर आपको 1 ड्रॉप ट्रांसफ़र कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया है 1 ड्रॉप 20 μl। अब हमें इसका जो कैप दिया हुआ था ये कैप लगाना है, और उसके बाद इसको मिक्स करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका कैप लगा दीजिए, और लगाने के बाद इनको मिक्स करना है अपने को। कैप इस तरीके से लगाने के बाद देखिए अब ये कैप लग गया है ए और बी दोनों का, और उसके बाद अब इनको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, इस तरीके से आप मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद आपको इनको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखना है। ठीक है, 10 मिनट तक रूम टेम्परेचर पर रखने के बाद फिर आपको इसमें रीडिंग देखना है। तो अभी हम इसको मिक्स कर लिए, मिक्स करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो आफ्टर मिक्सिंग अब आप इसको देख सकते हैं रीडिंग, और ये मेरा ए वाला है जो कि मैंने आपको इस तरफ रख दिया है अभी, और ये बी वाला है। ठीक है, तो अब आप दोनों को देखेंगे तो आपको क्लियर, यहाँ पर लाइट सोर्स अच्छी होनी चाहिए तब आपको क्लियर दिखेगा। देखिए आप इसमें से देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड पीछे वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नेगेटिव है जो बैकग्राउंड विजिबल हो रहा है, और इसमें जब आप देखेंगे तो ये प्रैक्टिकली जो मैंने आपको पॉजिटिव करके दिखाया है इसमें, ताकि आपको समझ में आ जाए, जब इसमें से आप देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ए वाले से आपको बैकग्राउंड देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब बैकग्राउंड इनविजिबल है, इसका मतलब इसको पॉजिटिव माना जाता है। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, और आपको समझ में आ गया होगा देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। आपको लाइनिंग इसमें से दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ, इसके थ्रू आप देख रहे हैं तो, और इसमें आपको लाइनिंग दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये, ठीक है, और इसमें भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी रीडिंग लेते हैं, तो ये पूरा टेस्ट का इसका प्रोसीजर है।